हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भुखमरी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सरकार के पास पैसा नहीं है, जैसी बातें आम हैं। लेकिन अब वक्त का पहिया घूमने वाला है और सालों से कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ अलादीन का वो चिराग लग गया है साहब, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, हम यहाँ वर्ल्ड बैंक से या फिर चीन से मिली भीख की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल यहाँ बात हो रही है उस खनिज से भरी खदान की, जिसकी पिछले कई सालों से पाकिस्तान में खोज हो रही थी, जो अब जाकर मिल गई है। ऐसे में पाकिस्तान के हर बंदे की बांछें खिल गई हैं, खुशी के मारे कोई फूले नहीं समा रहा है। लोग गीत गा रहे हैं कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे। मगर सुख अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे खनिज के उस भंडार की भी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान पर कितने देशों की देनदारी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सोचिए, कोई कई दिनों से सूखी रोटी तक के लिए जद्दोजहद कर रहे हो और अचानक उसके सामने मस्त बिरयानी या फिर पनीर लबाबदार टाइप आइटम परोस दिया जाए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक कुछ ऐसे ही जैसे आजकल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, क्योंकि कर्ज के लिए दुनिया के छोटे बड़े देश की दर पर भीख मांगने वाला और ठोकरे खाने वाला पाकिस्तान अब जल्द ही मालामाल हो सकता है, क्योंकि समुद्र की तलहटी में वो जिस खजाने की तलाश में पिछले कई साल से खाक छान रहा था, वो अब उसे मिल गया है, और इसका दावा वहां की मीडिया ने किया है। पाक मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकार की और यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे और दुनिया भर में कावरा बावरा हुए फिर रहे हैं। वैसे खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की खोज हुई है, बल्कि खबरें ये भी हैं कि एक सोने की बड़ी खदान भी पाकिस्तान के हाथ लग गई है, जिससे केवल पाक सरकार को नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद भी अब सातवें आसमान को छूने लगी है। बेरोजगारी, सालों से कंगाली और बदहाली का दंश झेल रहे पाकिस्तानियों को उनकी किस्मत बदलने की उम्मीद जग गई है। पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है साहब कि अब बुरा वक्त जल्द ही जाने वाला है और अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के हाथ सोने के अलावा तेल और प्राकृतिक गैस का इतना बड़ा भंडार अचानक कैसे लग गया, जिससे वो अब अमीर बनने का सपना देखने लगा है। तो बता दें कि खबर कुछ ऐसी है साहब कि पाकिस्तान को तेल और प्राकृतिक गैस का ये विशाल भंडार उसकी समुद्री सीमा में मिला है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार होने की जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भंडार इतना बड़ा है कि इसके दोहन से हमारे पड़ोसी देश की किस्मत पूरी तरह बदल सकती है, यानी इससे पाकिस्तान की सालों की कंगाली चुटकी बजाते ही दूर हो सकती है। डॉन न्यूज टीवी, जिसे पाकिस्तान का एक जाना माना और बड़ा न्यूज चैनल माना जाता है, उसने खदान की खोज के बाद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि ये लंबे वक्त की खोज के बाद मिली सफलता है। खासकर तेल और गैस भंडार की मौजूदगी की पुष्टि के लिए पाकिस्तान ने अपने साथी देश की मदद ली थी और अब जाकर इस खनिज की जानकारी मिली है। ऐसे में वहां के जानकारों का दावा है कि ये खनिज पाकिस्तान को ब्लू वाटर इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बता दें कि ब्लू वाटर इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो समुद्र, महासागर और दूसरे जल निकायों से मिले रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पर केंद्रित होता है, और इसका मोटिव आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ समुद्री इकोसिस्टम का भी संरक्षण करना होता है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का जो खजाना पाकिस्तान के हाथ लगा है, उसके लिए एक देश की मदद से 3 साल तक भौगोलिक सर्वेक्षण यानी ज्योग्राफिकल सर्वे किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को भंडार के एक्चुअल स्पॉट की पहचान करने में मदद मिली, और फिर कंसर्न विभाग के अधिकारियों ने शहबाज शरीफ सरकार को समुद्री सीमा में मिले तेल संसाधनों के बारे में जानकारी दी, और जानकारी के अनुसार फिलहाल इन संसाधनों से लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से खदान की बोली और एक्सप्लोरेशन प्रपोजल्स का अध्ययन किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है साहब कि आने वाले भविष्य में एक्सप्लोरेशन का काम समय रहते शुरू किया जा सकता है।
हालांकि जो खबर पाकिस्तान से निकलकर आ रही है उसकी माने तो ये सब इतना आसान और जल्दी में नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें बहुत खर्चा आने वाला है और पाकिस्तान सरकार के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। वहीं अगर काम शुरू भी हो जाता है तो खनिज से भरे कुओं की खुदाई में कई सालों तक का वक्त लग सकता है और फिर तब कहीं जाकर तेल निकलने का काम शुरू हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस संबंध में तेजी से पहल करने और जल्दी से काम पूरा करने के लिए सरकार को अधिकारियों की तरफ से कई तरह के सुझाव भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उम्मीद लगाई जा रही है कि खनिज जितना जल्दी निकलेगा उतना देश की आर्थिक किस्मत बदलने में मदद मिलेगी। वैसे फिलहाल ये तो नहीं पता चल सका कि पेट्रोल और गैस का ये भंडार कितना बड़ा है और इसके अंदर कितना खनिज है, लेकिन कुछ अनुमान ये बताते हैं कि ये खोज दुनिया में चौथे सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार की हो सकती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की किस्मत वाकई रातों रात किस तरह से बदलने जा रही है। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसका खदान की सतह के नीचे 304 बिलियन बैरल से अधिक तेल है। वहीं टॉप 5 सबसे ज्यादा तेल भंडार वाले देशों में सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक भी शामिल है। अब भले पाकिस्तान को इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया हो, लेकिन यह उसके लिए डिब्बे से घी निकालने जितना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनुमानित $5 बिलियन का खर्च आने की उम्मीद है। इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस खजाने पर तेल की खदानों के बेताज बादशाह सऊदी अरब की नजर है, क्योंकि सऊदी अरब की कंपनियों के बगैर पाकिस्तान इस खदान से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने में तो सक्षम है नहीं। ऐसे में उसे सऊदी अरब जैसे बड़े देशों की मदद की दरकार है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच खदान के खनन को लेकर एक बड़ा समझौता भी हो सकता है, जिस पर अभी से कई देशों की नजर टिक गई है, खासकर भारत की, क्योंकि इस डील के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान और करीब आ जाएंगे और हो सकता है कि भारत और सऊदी के रिश्तों में भी कुछ चेंजेस आ जाएं। वैसे ना सिर्फ तेल और गैस बल्कि पाकिस्तान को सोने की भी एक बड़ी खदान भी मिली है, जो कि पाकिस्तान के अशांत हिस्से यानी बलूचिस्तान में पाई गई है। इसका नाम रेको दिक है, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि रेको दिक खदान में लाखों टन सोना है। साथ ही तांबे के भी अकल्पनीय भंडार हो सकते हैं, जिसे निकालने के लिए भी पाकिस्तान सरकार तिगड़म भिड़ा रही है। खबर तो ये भी है कि यहाँ मौजूद सोने के खान के लिए सऊदी अरब से ही समझौता किया जा सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान सऊदी अरब को खदान का 15% सोना देने को तैयार है, और अगर ये मुमकिन हो जाता है तो फिर पाकिस्तान भी एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। उधर सऊदी अरब को भी इस डील से कोई घाटा नहीं है, उल्टा ना हिंग लग रही है ना फिटकरी, और रंग भी चौखा आ रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान से सऊदी अरब ने अपने कर्जे की वसूली करनी ही है। पाकिस्तान की भी खुशी इस वजह से ज्यादा है वैसे, क्योंकि ये खजाना ऐसे वक्त में मिला है जब वो कई सालों से अरबों डॉलर के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी हाल ही में पाकिस्तान की बदहाली को दूर करने के लिए कई अरब डॉलर का कर्ज लिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पटरी पर नहीं आ रही है। गौर करने वाली बात है साहब कि दुनिया में पिछले लंबे समय से पाकिस्तान की छवि उधार मांगने वाले देश की बन गई है, जिस पर कुछ वक्त पहले इस्लामाबाद के तबादला थिंक टैंक ने अरेंजिंग फायर नाम से कर्ज संकट का लेखा जोखा पेश किया था, जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान पर इतना कर्ज है कि आप गिनते रह जाएंगे और आंकड़ा खत्म नहीं होगा। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज पिछले 12 सालों में दोगुना हो गया, जहां 2011 में पाकिस्तान पर $66.4 बिलियन का कर्ज था, वहीं 2023 में $124.6 बिलियन हो गया, जिसे भारतीय रुपयों में अगर समझें तो पाकिस्तान पर तकरीबन 103.38 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज हो गया है, जो यकीन मानिए वीडियो बनाते बनाते और आपके वीडियो देखते देखते तक कुछ और बढ़ गया होगा। ऐसे में चलिए थोड़ा सा इस पर भी नजर डालते हैं कि आखिर पाकिस्तान पर किन किन देशों का कितना उधार है और अगर वो इसे नहीं चुका पाता है तो क्या होगा। अब यूं तो पाकिस्तान ने अलग अलग जगह से कर्ज लिया हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा कर्ज यानी करीब 30% कर्ज वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जैसे इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। इसी तरह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मतलब IMF से लिया उधार कुल कर्ज का 5.7% है। हालांकि पाकिस्तान के कर्ज का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स लगभग 19% बिलेटरल अग्रीमेंट्स बनाते हैं, जिसमें सऊदी अरब, चीन समेत 6 देश इस कैटेगरी में शामिल हैं,
और पाकिस्तान से द्विपक्षीय समझौते के लिए किए गए कर्ज में सबसे ऊपर चीन ही आता है, जिसे पाकिस्तान अपना दोस्त मानता है। लेकिन शायद चीन के लिए पाकिस्तान वो कंधा है जिस पर वो बंदूक रख कर हिंदुस्तान पर हमला करता है। मगर पाकिस्तान कहां ये बात समझने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के उधार लिए गए पैसों का 57.9% हिस्सा अकेले चीन का है, जो थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 12.27 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि चीन के डेट ट्रैप यानी के ऋण जाल कूटनीति का हिस्सा बताया जाता है, जिसमें चीन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों को बड़े बड़े कर्ज में दबाकर उनके राजनीतिक और आर्थिक फैसलों में दखल देता है। चीन के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे शॉर्ट में BRI कहा जाता है, इसके तहत पाकिस्तान पर चीन का और ज्यादा कर्जा चढ़ने का अनुमान है। वैसे चीन किस तरह से कर्जे की मार से छोटे देशों को मारता है, इसका नमूना हम पाकिस्तान के अलावा कई दूसरे देशों में भी देख चुके हैं जो भारत के इर्द गिर्द है। अब चीन के बाद सऊदी अरब से लिए गए कर्जे की बात कर लेते हैं। आइए, तो सऊदी अरब को देखिए पाकिस्तान का करीबी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हालात बदहाल होने के बाद से इस खाड़ी देश ने निवेश से हाथ जो है खींच लिए थे, मगर फिर भी पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में सऊदी अरब जापान के बाद तीसरे नंबर पर आता है। जापान ने पड़ोसी मुल्क को 3.48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जबकि सऊदी अरब ने 1.49 लाख करोड़ रुपए दिए। ऐसे में अब जब खनिज लिया मिल गया है, तो शायद सऊदी अरब अब थोड़ा अपना फायदा देखे। उधर यूरोप के दो देशों से भी पाकिस्तान ने अच्छा खासा कर्ज लिया है, और ये दो बड़े देश हैं, जर्मनी और फ्रांस। द्विपक्षीय समझौते के लिए गए कर्ज में ये दोनों मिलकर लगभग 10% हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तान पर फ्रांस का 1.24 लाख करोड़ रुपए और जर्मनी का 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को करीब 30,000 करोड़ रुपए का उधार दिया हुआ है। पर अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान इतने बड़े बड़े कर्ज नहीं चुका पाया तो क्या होगा। तो बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान की किसी भी सरकार के लिए अपने सभी कर्ज चुकाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर वो ये कर्ज नहीं चुका पाती है तो उस पर और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। फिर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, कर्जा ना चुका पाने की हालत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी तो होगी ही, वहीं अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अगर किसी दूसरे देश से फिर कर्ज मांगना है तो वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही हो जाएगा। और अगर कर्ज कहीं से मिल भी गया तो इसका असर चुनी हुई सरकार के फैसले लेने पर भी साफ तौर से दिखाई देगा, और ऐसा करने में सबसे आगे चीन होगा, क्योंकि चीन इतना चालाक है कि कर्ज के जाल में फंसाकर वो किसी भी देश की संपत्ति पर हक जमा सकता है और फिर अपने मन मुताबिक काम करवाता है, जैसे कि उसने श्रीलंका के साथ किया। इसलिए पाकिस्तान के लोग भी इस कर्ज जाल से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तान के राजनीतिक संकट को बल्कि संवैधानिक संकट को भी जन्म दे सकते हैं। मगर खनिज भंडार के मिलने से कई सारी उम्मीदें जग गई हैं कि पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली जल्द ही दूर हो सकती है, और वो भी अरब और खाड़ी देशों की तरह अमीरों की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि देश को अब तेल और गैस के आयात पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, और इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ पाएगा, रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो सकेंगे, और सबसे खास बात, पाकिस्तान खनिज बेचकर अपना कर्ज भी आसानी से चुका पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को मिला ये खजाना उसके लिए गेम चेंजर साबित हो पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।